सावन के महीने में यूं तो प्रत्येक दिन खगौल के नेवरा कॉलोनी स्थित योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में योगेश्वर महादेव का रुद्र अभिषेक होता रहा है, परंतु शुक्रवार को नाग पंचमी होने के कारण महादेव का रुद्र अभिषेक भी कुछ विशेष तरीके से किया गया। इस रुद्र अभिषेक में अलग अलग पांच सिरंगी से शिव का रुद्र अभिषेक किया गया, जहां पहले सिरंगी में दूध में घोला हुआ भांग, वहीं दूसरे सिरंगी में केवल दूध, तीसरे सिरंगी में पंचामृत तो चौथे सिरंगी में गुलाब जल एवं पांचवें में भस्म द्वारा महाप्रभु का रुद्र अभिषेक किया गया। इस रुद्र अभिषेक में नगर के अलग अलग जगह से भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जहां शिव की जयकारा करते हुए शिव के गले में लिपटे हुए नाग का भी अभिषेक किया गया। शिव के ऊपर सुगंध, अबीर, औषधि से रुद्र अभिषेक किया गया। वहीं शुक्रवार को नाग पंचमी होने के कारण बड़े धूमधाम से नागदेव की पूजा कर महादेव एवं नागदेव को भोग लगाया गया। कहा जाता है कि योगेश्वर महादेव शिव मंदिर में जो भी सच्चे हृदय से महादेव से कुछ मांगते हैं तो उनकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। इस योगेश्वर नाथ शिव मंदिर में सांसद व मंत्री चिराग पासवान से लेकर बड़े बड़े अधिकारी नेता भी अपनी मनोकामना महादेव के सामने रखकर सफलता हासिल की है। सभी भक्तों को और सनातन धर्म अनुयायियों को आज नाग पंचमी पर भगवान भोलेनाथ के कृपा और आशीर्वाद बनाए रखने की कामना। ये बाबा योगेश्वर नाथ मंदिर में पिछले 12 वर्षों से लगातार प्रतिदिन रुद्राभिषेक हो रहा है, जो प्रतिदिन अलग अलग सामग्रियों से होता है, जैसे कि दूध से, दही से, घी से, मधु से, गुड़ से, गुलाब जल से, सर्वौषधि से, जटामसी से, नवग्रह संविधाओं का अलग अलग रूपों से, भांग से और तरह तरह की सामग्रियों से, मतलब प्रत्येक दिन 300 दिन अलग अलग सामग्रियों से और शिव की धारा रुद्राभिषेक की चलती है। साथ ही आज नाग पंचमी पर भगवान शिव को 51 किलो दूध का रुद्राभिषेक किया गया और आज 5 श्रृंगियों से इनकी सेवा की गई। उस 5 श्रृंगी में दूध का 1 श्रृंगी, भांग का 1 श्रृंगी, उसके बाद भस्म का 1 श्रृंगी, पंचामृत का 1 श्रृंगी और साथ ही जो है गुलाब जल का 1 श्रृंगी, क्योंकि गुलाब जल सभी प्रकार के ऐश्वर्य को प्रदान करता है। तो आज इन सभी चीज़ों से भगवान की रुद्र अभिषेक की गई और सभी भक्तों ने उन्हें बहुत ही मनोवल किया है नाग पंचमी पर। तो मेरी प्रार्थना है कि सभी भक्तों का भोलेनाथ योगेश्वर नाथ कल्याण करें। हर हर महादेव।